धनबाद के झरिया में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी झरिया लोकल कमेटी ने घोषित कार्यक्रम के तहत कोयला उत्पादन के नाम से चल रही आउटसोर्सिंग कंपनियों पर अवैध रूप से पेड़ कटाई करने का आरोप लगाया है, जिसके कारण झरिया में बेतहाशा प्रदूषण बढ़ गया है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी झरिया लोकल कमेटी ने झरिया अंचल कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की बात कही। उनका कहना है कि हर रोज झरिया में कोई न कोई जमींदोज हो रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन, BCCL और सरकार से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की मांग की है, जिसे लेकर CPIM ने आक्रोश जनाक्रोश रैली निकाली और अंचलाधिकारी को 26 सूत्री मांग पत्र सौंपा। देखिए भैया, ये झरिया अंचल बहुत कंपनी के समय से हम लोग तमाम लोग गरीब गुरिया लोग यहाँ पर हैं। हम कहते हैं कि ये कोयला अंचल, झरिया कोयला अंचल केंद्र सरकार के नेतृत्व में आता है और यहाँ पर केंद्र सरकार का नुमाइंदे भी लोग हैं, लेकिन यहाँ पर बिना किसी तरह से किसी से बात किए हुए तमाम गरीब गुरिया लोगों को विस्थापन करने के लिए मन बढ़ाया है, आग और भूधसान बहाना बना करके। हम लोगों का कहना है कि हमारे लोगों के साथ बैठ करके और एक बेहतर पुनर्वास नीति के तहत हम गरीब लोगों को व्यवस्थित कहीं कर दें, उसके बाद ये विस्थापन और कोयला निकालने का काम करें। आपने सीओ के में कोयला चोरी का आरोप क्या कुछ? मेरा कहना है भैया कि हम लोग गरीब गुरिया लोग कंपनी के टाइम से, कंपनी के मालिक के समय से हम लोग हैं। जहाँ तक CPIM का सवाल है तो पूरे गारंटी के साथ हम लोग कह सकते हैं कि हमारा कोई साथी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कहीं पर भी नहीं। और हम ही लोग इस सवाल को बार बार उठाते रहे हैं कोयला चोरी के मुद्दे को, और आज भी जो भी कोयला चोरी के मुद्दे हैं, चाहे उस पर जो लड़ाई है, वो हम लोग लगातार लड़ते रहे हैं। प्रबंधन को भी हम लोगों ने, यहाँ के मैनेजमेंट को भी हम लोगों ने बार बार उन लोगों को इंगित किया है कि आप कोयला चोरी रोकिए। अब स्थिति ये हो गई है कि कोयला चोरी जो आज हो गया वो संस्थागत हो गया। आज बड़े पैमाने पर कोयला चोरी हो रहा है, जिसको हम ठीका दे रहे हैं, जिसको हम बड़ा बड़ा टेंडर दे रहे हैं, वही लोग कोयला चोरी में इन्वॉल्व है। और ये स्थिति है कि प्रबंधन का डर से नहीं बोल पाता है कि उसको वो पकड़े। इंगित भी कर दिया जाए, उन्हें बता भी दिया जाए, फोन से सूचना भी दे दिया जाए, तब भी वो नहीं पकड़ पाता है। तो ये हालत है। इस हालत में अब क्या बोलिएगा, एक लाचारी का सिस्टम हो गया है। लोग लाचार हैं, वो चाहते हैं कि कोयला चोरी ना हो, लेकिन वो लाचार और एकदम निरीह हो गए हैं। ये स्थिति है। CEO क्या डिमांड है?